नगर निगम मिनी सदन की मंगलवार को ही दूसरी विशेष बैठक में नए और पुराने वार्डों के विकास के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पास हुआ। बैठक में पार्षदों ने सीवर और पेयजल की समस्याएं उठाईं और उसका शीघ्र निराकरण कराने को कहा। इसके साथ ही सदन में एक पार्षद ने मंचासीन महापौर अशोक तिवारी के गाउन न पहनने पर सवाल उठा दिया। महापौर ने बताया कि नए वार्डों के विकास के लिए 10 करोड़ और पुराने वार्डों के लिए 5 करोड़ रुपए से विकास कार्य कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है। सभी वार्डों का प्रस्ताव बनाकर शासन को 30 जून के पहले भेज दिया जाएगा। सदन की कार्यवाही के दौरान शिवाला के पार्षद राजेश यादव ने संशोधन का प्रस्ताव पेश किया, इसे सभी ने स्वीकार किया। इस दौरान नगर निगम के अधिकारियों को ताकीद किया गया कि फोन नहीं उठाने पर उन पर कार्यवाही की जाएगी। पार्षद राजेश यादव ने मेयर के गाउन न पहनने पर सवाल उठाए। मेयर ने सदन को जवाब दिया कि मैं सदन के अन्य पार्षदों से अलग नहीं दिखना चाहता हूं, इस नाते गाउन नहीं पहना। सदन में मेयर को बताया गया कि बारिश शुरू हो चुकी है और तमाम दावों के बावजूद 30% सीवर की सफाई अभी तक नहीं हो सकी है, इस पर आश्वासन मिला। इसके अलावा सावन में आने वाले कांवरियों की व्यवस्था, सफाई आदि पर भी चर्चा हुई। मेयर ने बताया कि 84 गांव नगर निगम सीमा में आए हैं, यहां पहले सीवर, सड़क व लाइट की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। यदि शासन से धन स्वीकृत हो जाता है तो उन गांवों का बेहतर विकास हो सकेगा। बैठक में कई पार्षदों ने शिकायत किया कि निगम के अधिकारी व कर्मचारी फोन नहीं उठाते हैं। इस पर मेयर ने एक हफ्ते का समय मांगा, कहा कि अब जो भी अधिकारी या कर्मचारी पार्षदों के फोन नहीं उठाते उनकी शिकायत आती है तो कार्रवाई की जाएगी। आज एक विशेष बैठक सदन द्वारा बुलाया गया था। एक प्रस्ताव नगर के विकास के लिए सभी वार्डों से मंगाया गया था, उसके निमित्त बैठक बुलाया गया था और सभी पुराने वार्डों के लिए 5 करोड़ रुपया और जो नए वार्ड बने हैं उनके लिए सदन ने सर्वसम्मति से 10 करोड़ का प्रस्ताव शासन को भेजा है। ये अगर फंड हमें मिल जा रहे हैं तो हमें लगता है कि आने वाले समय में सभी वार्डों का बहुत ही अच्छा विकास होगा। तो सभी अधिकारियों को जिम्मेदारी और जवाबदेही, आने 2-1 हफ्ता के अंदर आप देखेंगे जिम्मेदारी और जवाबदेही। जो भी पार्षद हैं वो निर्वाचित हो गए हैं, जनता के द्वारा चुन के आए हैं और जनता उनसे प्रश्न करती है, पार्षद का फोन न उठाना ये घोर अनियमितता है, घोर अनुशासनहीनता है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ और कल भी मैं बैठक लूँगा, अगर आज के बाद अगर कोई किसी भी पार्षद के समस्या अगर फोन न उठा हुआ, उसके वार्ड की कोई समस्या आई तो जो भी अधिकारी कर्मचारी होगा उसके जो भी हम लोग का अधिकार होंगे हम कार्रवाई करेंगे।